तो दोस्तों मैंने इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दिया था, तो आज मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पेंसिल को काफ़ी स्मूथली चलाना है जिससे कि शेडिंग को अच्छे से मिक्स कर सकें। तो मैंने पेंसिल शेडिंग को मिक्स करने के लिए रुई का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप ब्रश चाहे हाथ की उंगलियों से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप रुई का ही इस्तेमाल करें जिससे कि काफ़ी स्मूथली मिक्सिंग हो जाती है। तो हेयर में मैं अभी फर्स्ट टोन शेडिंग दे रहा हूँ। हमें शेडिंग करते समय बहुत ही हल्के हाथों से पेंसिल को चलाना है जिससे कि सेकेंड टोन थर्ड टोन शेडिंग को देकर हेयर को और भी डार्क कर सकें। शेडिंग करते समय एक पेपर का जरूर यूज करें जिस पे कि हम हाथ रख कर शेडिंग कर सकें और पहले का किया हुआ शेडिंग ख़राब ना हो सके। तो इसमें हेयर जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पर हम सेकेंड टोन देते हैं। सेकेंड टोन देने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ किया हूँ। चाहे तो आप 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर के डायरेक्शन में ही शेडिंग को चलाएं। मैंने इस पूरे स्केच में आर्टलाइन पेंसिल का 2B 4B 6B और 10B पेंसिल यूज किया है। इसमें मैंने बैकग्राउंड को भी हल्का सा डार्क कर लिया है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड खाली ना लगे। तो दोस्तों अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पोर्ट्रेट ड्राइंग कैसी लगी। और आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी को किस तरह की वीडियो चाहिए।